लखनऊ में गुरुवार को दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया। बारिश के चलते रात में नींद तो अच्छी आई, लेकिन सुबह के हालात क्या होने वाले हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं था। किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ घंटों की बारिश से ऐसे हालात हो जाएंगे कि आँख खुलेगी तो बेड पानी से घिरा होगा। बच्चों की कॉपी किताबों से लेकर कपड़े, चार्जर और मोबाइल फोन सब पानी में नहा चुके होंगे। रात भर हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी लखनऊ की पोल खोल दी। क्या पॉश कॉलोनियों, क्या छोटी बस्तियां, सब पानी में सराबोर है। एक तरफ जलभराव की समस्या, दूसरी तरफ बिजली गुल। कुछ घंटे की बारिश ने राजधानी की नींद गायब कर दी। आंख मलते हुए उठकर लोग अपने घरों से पानी उलीचते नजर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने बारिश की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। लखनऊ के दिल हजरतगंज से लेकर गोमती नगर और इंदिरा नगर तक की सड़कें स्विमिंग पूल बनी हुई है। इन सब के बीच कई इलाकों की बिजली भी गुल है। कमिश्नर रोशन जैकब भारी बारिश के बीच सड़क पर निकले और कमर तक भरे पानी में पैदल चलकर हालात का जायजा लिया। इस बीच हजरतगंज के पास दीवार गिरने के दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत और 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने का अनुमान जताया है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है।